नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्ट्रियस में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसे अंधेरी दास्तां और खौफनाक कहानी जिसे आपने पहले शायद ही सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रकाश है, पेशे से मैं एक वकील हूँ। मुझे अजीब अजीब चीज़ों को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। अलग ठिकानों पर जाकर उनकी तस्वीरें कैद करना मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं भी अकेले ही जाना पसंद करता हूँ। बरसात के दिनों में मुझे पहाड़ों और जंगलों से बनी सुंदर जगहों पर जाना और तस्वीरें कैद करना अच्छा लगता है। इसलिए इस बार मैंने रंधार टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का सोच लिया और निकल पड़ा। अपना कैमरा लिए घने पहाड़ों और जंगलों से घिरा बीच से एक नदी बहती, इतना सुंदर वातावरण, ताज़ी हवाएं, सुकून, सब कुछ था वहाँ। मेरे प्रिय कैमरा के लिए बहुत सारी फ़ोटोज़ भी। होटल में सामान रख खाना खाकर निकल पड़ा अपना कैमरा लिए उस जगह जहाँ पहली बार आया था, जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट घूमते थे। उसके उल्टा मैं अकेले कहीं पे जाना पसंद करता था, इसलिए मैं चल पड़ा अंदर आगे घने जंगल में। फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए मेरे सामने एक पहाड़ी आ गई। पहाड़ी बड़ी थी तो चढ़ने में वक्त लगा, पर जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचा, मानो स्वर्ग मिल गया। इतना अच्छा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा था। वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं था। मैं फिर तस्वीरें क्लिक करने लगा। मैंने कैमरे की लेंथ बड़ी की ताकि दूर तक का दृश्य कैद कर सकूं। तभी मैंने देखा कि दूर नदी के उस पार जंगल में एक गाँव भी था। कुछ दूर देखा तो मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मेरी उत्सुकता फिर जाग गई। शाम होने वाली थी। तभी मैंने सोच लिया था कि सुबह जल्दी निकलकर वहां जाकर उन मछुआरों और गांव के फोटो जरूर लूंगा। वापस होटल जाकर मैंने उस जगह के होटल के मैनेजर से पूछताछ की। मैं प्रकाश, सुनो, मैंने दूर एक जगह देखी, वहां एक गाँव है और नदी में मछुआरे भी दिखे, वहां मुझे जाना है, कोई आसान रास्ता? मैनेजर, नहीं सर, वो जगह हमारे डेस्टिनेशन में नहीं आती है और वहाँ कोई नहीं जा सकता। उस गांव के मछुआरे कभी भी किसी को भी वहाँ आने नहीं देते, वो उनकी जगह है, आप यही घूम ले, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने और ज़्यादा पूछना ज़रूर नहीं समझा। कमरे में आया पर मैंने ठान लिया था मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा जंगल के रास्ते। सुबह जल्दी मैं होटल से निकल पड़ा, अपने साथ खाने का कुछ सामान और अपना कैमरा साथ लिए। जंगलों से गुजरते हुए और फोटोज़ क्लिक करते हुए उस अद्भुत वातावरण के मज़े लेते हुए आखिरकार मैं दोपहर 2 बजे उस नदी के स्थान पर पहुंच गया। गांव नदी के उस पार था। नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, शायद वो उसी गांव के थे। मैं आगे बढ़ा, एक मछुआरे को इशारा कर अपने पास बुलाया। मछुआरा, कौन हो तुम, इस तरफ क्यों आए हो? प्रकाश, देखो, मुझे आपके और आपके इस गाँव कुछ फोटोज़ क्लिक करने हैं, मुझे ज़रा उस पार छोड़ दो। मछुआरा, सुनो, अब चले जाओ यहाँ से, इस तरफ आने की अब कोई कोशिश भी मत करना। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए अपने नाव लिए वहाँ से चला गया। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था, वही ठहरा रहा। कुछ घंटे बाद वो सभी मछुआरे गांव की तरफ चले गए। मुझे भी जाना था पर इतनी दूर तैर तक के भी नहीं जा सकता था। मैंने अब वापस जाना ही बेहतर समझा। फिर तभी मैंने कैमरा निकाला और आसपास के फोटोज़ क्लिक करने लगा। तभी मुझे कैमरा की बड़ी लेंस से थोड़ी दूर पत्थरों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैं जल्दी से उसकी तरफ गया। मैंने देखा तो बड़े पत्थरों के पास एक छोटी नाव आकर फंसी थी। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, शायद उसी ओर से कभी ये नाव अपने आप बहकर यहाँ फंसी होगी। मैं नाव में बैठा और उस नदी में चला कर किसी तरह की बड़ी कोशिशों के उस पार आ गया जहाँ गाँव था। मैंने छिपकर की फ़ोटोज़ लेना बेहतर समझा ताकि कोई गांव वाला मुझे देख ना ले। बड़े बड़े हसीन खेत, काफ़ी सुंदर गांव था और दूसरी तरफ घना जंगल। रात हो गई थी, मैं अभी भी सबसे छिपा बैठा था। मैंने अपने साथ लाया खाना खाया। फिर मुझे गांव से बड़े बड़े ढोल पीटने की आवाज़ें आने लगी। मैंने देखा गाँव के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे। सभी इकट्ठा हुए 4 बकरियों को एक साथ बांधकर उनकी पूजा कर रहे थे। फिर उन बकरियों को आगे कर पीछे ढोल बजाते हुए सभी गांव वाले उस जंगल की तरफ
आगे बढ़ने लगे। मुझे यह सब देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैंने कैमरा लिया और चुपके से फोटोज क्लिक करते हुए उनके पीछे जाने लगा। काफ़ी देर तक जंगल के अंदर सभी चलते जा रहे थे, तभी वो सभी रुक गए। फिर मैंने जो देखा मैं पूरा हिल गया। उसी जंगल में आगे एक और जंगल था जो पूरा काला था। उसके पेड़ पत्तियां सभी काले थे, बड़ा ही भयानक था। फिर वो सभी एक साथ चिल्लाए, अंधेरी हमारे भेंट स्वीकार करो। उन्होंने उन चारों बकरियों को उस काले जंगल में आगे छोड़ दिया। फिर सभी वापस गांव जाने निकले। अब मेरे मन में दुविधा थी कि मैं वापस गांव की तरफ जाऊँ या उन बकरियों के पीछे उस काले जंगल में। तभी मैंने सोच लिया, उन बकरियों के पीछे जाऊंगा तो देखूँ तो सही वो कहाँ जाती है। कैमरा लिए मैं भी उस भयानक जंगल में घुस गया। बकरी आगे बढ़े जा रही थी, मैं भी छिपते हुए आगे बढ़ रहा था। रात कीड़ों की भयानक आवाज़ें अपना कहर मचा रही थी। पहली बार ऐसा काला भयानक जंगल देख रहा था। उस भयंकर वातावरण में भी मैं अपनी आदत से मजबूर फोटोज़ लिए जा रहा था। काफ़ी देर तक बकरियाँ आगे बढ़ रही थी। अब तो शायद मैं वापस जाने का रास्ता भूल गया था। अचानक सभी बकरियाँ एक घने काले पेड़ के पास आकर रुक गई। काफ़ी अजीब पेड़ था, उसमें से काला द्रव्य भी बाहर आ रहा था। पेड़ की शाखाएं ऐसी थी मानो लंबे भयानक बालों से ढकी पड़ी हो। बकरियां शांत खड़ी थी, अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस पेड़ से आकर कुछ साये जैसा उन बकरियों के पास गिरा। ये देख मैं दहल गया। एक बकरी अचानक छटपटाने लगी। मुझे उसकी तरफ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पत्तियों को हटाकर बाहर निकला और उन बकरियों के पास गया। मैंने जो देखा उसे देख मैं थर थर काँपने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो अभी मेरी छाती पर वह भार आ जाएगा। सामने एक बकरी को किसी साये ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो साया उस बकरी की गर्दन से खून चूस रहा था। तभी उस साये ने बकरी के अंदर कड़ाए अपने भयंकर नुकीले दांत बाहर निकाले। अब वो मेरी तरफ देखने लगा। उसके भयानक दांतों में खून साफ नजर आ रहा था। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबे भयानक बाल, मुंह खून से लथपथ, काला शरीर, बड़े नुकीले नाखून, बड़ी ही भयानक चुड़ैल जैसी थी। मैं तो उसे देख सुन पड़ गया था। आज मैंने किसी शैतान की ताकत को देख लिया था। वो उठ खड़ी हुई और गुस्से से भयानक आवाज़ें निकालती हुई मेरी तरफ पड़ने लगी। तभी मैंने खुद को संभाला और तेज़ी से उस काले जंगल में भागने लगा। वो भी मेरे पीछे भागने लगी। शिकारी बिल्ली की तरह वो मेरे पीछे भाग रही थी। मैं चूहा बन छिपते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा बैठा था मैं। वो गुस्से से मुझे खोज रही थी, मानो मेरे मिलने पर मुझे कच्चा ही खा जाएगी। मैं डर से कांप रहा था। तभी वो चुड़ैल दूसरी तरफ से मुझे खोजने लगी। मौका पाते ही मैं उसकी विपरीत ओर भागा। भागते भागते थक गया तो नीचे थोड़ी देर के छिप कर बैठा था, एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी कुछ खून की बूंदे उस पेड़ से आकर मुझ पर गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के ऊपर अजीब तरह के शैतान उल्टे लटके हुए थे। उनके भयंकर शरीर से खून निकलकर नीचे गिर रहा था। जली हुई भयानक चमड़ी और लाल चमकती डरावनी आंखें मुझे ही देख रही थी। अचानक सभी शैतान पेड़ से रेंगते हुए मेरे पास आने लगे। फिर मैं पूरी तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। डर का पागलपन और यह सब भयानक शैतानी खेल को देख मेरी रूह कांप उठी थी। उस काले जंगल में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, किसी तरह अपनी जान बचाकर उस भयानक जंगल से निकल जाऊं। मैं डर से कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ दूर मुझे आग जलती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया। मैंने देखा उस आग के चारों तरफ लाल साड़ी और घूंघट पहने कुछ महिलाएं चक्कर लगा रही थी। मेरे जाने में जान आई। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेगी? ये सुनते ही वो सभी महिलाएं रुक गई। एक साथ सभी घूंघट उठने लगा। फिर मैंने जो देखा, मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उन सभी महिलाओं के सिर थे ही नहीं और कटे हुए भाग से खून बह रहा था। वो सभी मेरे ओर पड़ने लगी। मैं फिर भागने लगा।
अपने ज़िंदगी की सारी दौड़ मैंने आज ही ख़त्म कर दी थी। मैं फिर उस भयानक जंगल के इधर उधर भागने लगा। शायद आज मैं मरने वाला था। तभी फिर मुझे अपने सामने वही बकरी का खून चूसने वाली चुड़ैल गुस्से से घूरती हुई नज़र आई। मैं फिर भागा, पर वो चुड़ैल भी अभी पीछे थी। भागते भागते मैं गिर पड़ा। वो चुड़ैल उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। मेरा मरना अब तय था। वो भयंकर चुड़ैल मेरे पास आई। उसका भयानक हाथ लगते ही मैं डर से कांपते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरी आँख खुलते ही मेरे सामने गाँव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे पानी दिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बुजुर्ग बेटा, वो काला जंगल शापित है। वहाँ शैतानी ताकतों का बसेरा है। मैं उस चुड़ैल ने मुझे क्यों नहीं मारा? उसी ने तुम्हें बचाया और उस जंगल के बाहर आकर सुरक्षित छोड़ दिया। वो तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आई थी। उस जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। बेटे, जैसे इंसानों का अपना बसेरा होता है, वैसा शैतानी शक्तियों का भी बसेरा होता है। वो उस काले जंगल की शैतानी रानी अंधेरी है, जिसे हम प्रसन्न करने हर महीने बकरियों को उन जंगल में छोड़कर आते हैं। बदले में वो हमें उस जंगल में मौजूद शैतानी शक्तियों से हमारी जान बचाती है और उन्हें सिर्फ उसी सीमित जगह तक रोक कर रखती है, ताकि वो शैतानी शक्तियाँ उस पूरे इलाके पर हावी न हो। हजारों सालों से वो हमें बचा रही है। हमारी खेती उसी की वजह से इतनी फल फूल पाती है। वो हमारी रक्षा करती है। उसकी शक्तियाँ हमें फ़ायदा होता है। हजारों सालों से हम उसे अपना ही मानते हैं। वो हमारे दुख दूर करती है। ये गांव उसी की वजह से खुशियों से संपन्न है। वो शैतान हुए तो क्या हुआ? उसी की वजह से हम अभी जिंदा है। ये सभी उसी की देन है। मैंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। अगर वो ना होती तो मैं शैतानों का शिकार बन जाता। अब मैं फिर कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाऊँगा। गलती नहीं करूँगा या आप कभी। यह आश्वासन भी मैंने गाँव वालों को दिया था, इसलिए वो गाँव वाले किसी अनजाने को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते। उस पर कोई मुसीबत ना आए, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि किसी भी अजीब चीज़ों को जानने के लिए इतने भी गहराई में मत जाओ कि वह हमारी जान पर बनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में एक ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तो तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।